अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं सुजुकी लियाना का हेडलाइट बल्ब चेंज करूंगा। इसमें जो कंपनी इंस्टॉल बल्ब आता है वो होता है 60-55 वॉट्स का, लेकिन जो मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा वो होगा 190 वॉट्स का। बल्ब लेने से पहले आपने चेक कर लेना है कि आपकी गाड़ी कौन सा मॉडल सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की मोस्टली गाड़ियों में और लियाना में H4 मॉडल का बल्ब लगता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ इसके रिजल्ट भी शेयर करूंगा और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं वो भी शेयर करूंगा। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हेडलाइट के बिल्कुल बैक पे जाना है। हेडलाइट के पीछे आपको एक रबर का बूट सा मिलेगा, इसके ऊपर ये कनेक्टर लगा हुआ है हेडलाइट का। इस कनेक्टर के बेसिकली तीन पॉइंट्स हैं, एक ऊपर है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है। इसलिए आपने इसको लेफ्ट और राइट पे हिलाते हुए उतारना है इस स्विच को। सीधा खींचना नहीं है, सीधे खींचने से ये नहीं उतरेगा क्योंकि अंदर एक क्लिप है जो बैंड हो जाता है सीधा खींचने से। जैसे आपने इसको जेंटली लेफ्ट और राइट करना है, इस तरह ये बाहर आ गया। ये देख सकते हैं इसके तीन पॉइंट्स हैं, दो लेफ्ट राइट पे और एक ऊपर वाली साइड पे। इसकी पोजीशन याद कर लेनी है क्योंकि जिस तरह ये उतरेगा उसी तरह ही नया बल्ब इंस्टॉल होगा, यानी दो पॉइंट्स नीचे एक पॉइंट ऊपर। इस बूट के ऊपर दो हुक दिए हुए हैं ये उतारने के लिए, इसकी मदद से आपने इस बूट को उतारना है। ये जो आपको एक मेटल का क्लिप सा नज़र आ रहा है, इसने बेसिकली हेडलाइट को अपनी जगह पे पकड़ा होता है। आपने सबसे पहले इसको उतारना है। इसको उतारने के लिए आपने इसके इस पॉइंट को दबाना है और ऊपर की तरफ करना है, ये खुद ही बाहर आ जाएगा। जब क्लिप खुल जाएगा, क्लिप को आपने साइड पे करना है और बल्ब को आराम से बाहर निकाल लेना है पीछे से पकड़ के। हमेशा बल्ब को पीछे से पकड़ना है, इसके फ्रंट से ग्लास वाले पार्ट से कभी भी बल्ब को नहीं पकड़ना, बल्ब ऐसे ख़राब हो जाएगा। और ये रहा हमारा नया H4 हेलोजिन 1900 वॉट्स का बल्ब। जैसा कि डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपने इसको हमेशा बैक से पकड़ना है, फ्रंट से नहीं पकड़ना, तो इसको ध्यान से बैक से पकड़ के निकालना है डब्बे के अंदर से। और जैसा कि बल्ब की सराउंडिंग पे ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, वैसे ही ये तीन स्पेसेस बनी होंगी हेडलाइट के जो बैक हाउसिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये बल्ब एग्जैक्ट उसी जगह पर फिट होगा। जिस तरह हमने पिछला बल्ब उतारा था उसी तरह से इस नए बल्ब को फिट करना है और क्लिप को लॉक कर देना है इस तरह। मैं आपको ये एक और एंगल से दिखाया था ताकि आपको ये समझ आ जाए। बल्ब को लॉक कर लेने के बाद हमने ये रबर बूट लगाना है जो हमने पहले उतारा था, और इस रबर बूट को प्रॉपरली अपनी जगह पे फिक्स कर लेने के बाद ताकि मिट्टी और पानी अंदर ना जाए। जो कनेक्टर स्विच है इसको आपने अच्छी तरह लगाना है, ज़रा सा ये उतरा ना हो, क्योंकि अगर ये ज़रा भी लूज़ होगा तो पॉसिबिलिटी था कि यहाँ स्पार्किंग होगी और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ये आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं, इतना कोई मास डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें फ़र्क है। ना मैंने रिले यूज़ किया, ना मैंने फ्यूज़ यूज़ किया, मैंने जस्ट सिंपली वो बल्ब लगाया है और दैट्स इट। मुझे तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए, मेरे पास बिल भी है इसका, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं इन 6 से 7 महीने में को हार, इस्लामाबाद, खुशहालगढ़, काफ़ी जगहों पे गया हूँ, काफ़ी लॉन्ग जर्नी की है, कॉन्स्टेंटली हेडलाइट्स ऑन रही हैं। आप एक कंडीशन देख सकते हैं मेरे हेडलैम्प्स की, ना कोई क्रोम मेल्ट है, ना कुछ, ना वायरिंग शॉर्ट हुई। ये पॉसिबल है कि आपका क्रोम मेल्ट हो जाए अगर आपकी हेडलाइट्स दो नंबर हो, आपने चेंज कराई हो ताइवान की या चाइना की हो। जो मेरी हैं वो जेन्युइन है, वो आपके सामने है, ना ये मेल्ट हुई है, ना कुछ ऐसा चक्कर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।